हेलो फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें गाड़ी की वॉइस कुछ ज़्यादा ही आ गई थी, तो अब मैं साइड में गाड़ी खड़ी करके वीडियो बना रहा हूँ। तो जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि जो ये मंडियों में 2 किलो की काट की जा रही है आपके पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर, क्या ये सही है या क्या ये गलत है। सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है ये बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूँ, अगर आप मिठाई की शॉप पे भी अगर मिठाई खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे भी विद पैकेजिंग मटेरियल आपका वेट की आपके मिठाई का वेट किया जाता है, तब आपको वो दी जाती है। डब्बे का वेट 50 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो, वो उसी में इंक्लूड होता है। आप मार्केट में जो मर्जी प्रोडक्ट ले लो, उसका जो MRP होता है वो उस पर जो लागत आई होती है, वो उस पर चाहे पैकेजिंग मटेरियल हो, चाहे लेबर कॉस्ट हो, चाहे इनपुट कॉस्ट हो, चाहे जो मर्जी हो, उन सबको देखकर उसका MRP डिसाइड किया जाता है। लेकिन बागवानों के पास ना MRP डिसाइड करने का हक है, और इधर से उनका जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे पैकेजिंग मटेरियल की वजह से ही हमारा सेब जो है हमारे घरों से निकल कर पूरे ऑल ओवर इंडिया पहुंचता है, बिकॉज ऑफ आवर पैकेजिंग मटेरियल। और आप उसकी वैल्यू जीरो कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारी उसमें मेहनत नहीं है? हमारा उसमें पैसा खर्च नहीं हो रखा है? और घर में हम 200 रुपया पहले ही खर्च कर रहे हैं उस पैकेजिंग मटेरियल और लेबर के ऊपर, और आप 200 रुपये यानी कि 2 किलो की कटौती उसकी मार्केट में कर रहे हो, तो हमारे पैकेजिंग हमारे पर बॉक्स कॉस्ट कितना बैठ गया है? सिर्फ घर से मंडी पहुंचाने पे 400 रुपया, उस पे किराया अलग से है। तो ये जो है ये सरासर नाइंसाफी है। वैसे किसानों को कहा तो अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब उनको सपोर्ट करने की बारी आती है तब वो अन्नदाता कहीं पर भी नहीं रहता, वो उनकी वैल्यू जीरो रहती है, बिल्कुल जीरो। 24 केजीज के हिसाब से बेचना शुरू किया है, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। चलो, काफ़ी टाइम से मांग रही है कि किलो के हर चीज़ अब केजी के हिसाब से बिकती है, हमारा एप्पल भी केजी के हिसाब से बिकना चाहिए, वो चलो अच्छी बात है। लेकिन जो उसमें पैकेजिंग मटेरियल है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हमारे बागवान जो इतनी मेहनत से इतने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदता है ताकि हमारा जो फ्रूट है वो आगे तक पहुंचे। अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल खराब होगा, तो आपका लदानी आपको ये बोलेगा कि आपका पैकेजिंग मटेरियल खराब है, हमारा माल आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। और वही वही अर्थी और वही लदानी हमारे पैकेजिंग मटेरियल की कटौती कर रहा है, जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल देख के भी हमारा 100-200 रुपया रेट पर बॉक्स ऊपर देता है कि आपका पैकेजिंग मटेरियल अच्छा है, इसमें हमारा माल सेफ रहेगा। जब उनको अपने माल की इतनी कदर है, फिक्र है कि हमारा सेब किस किस टाइप के बॉक्स में, किस क्वालिटी के बॉक्स में सेफ रहेगा और किस क्वालिटी के बॉक्स में सेफ नहीं रहेगा, तब आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो कि हम 2 केजी काटेंगे, पैकेजिंग मटेरियल की कोई कॉस्ट नहीं होती? क्यों नहीं होती? हर कंपनी, हर चीज, आप जिस मर्जी एरिया पे प्रोडक्ट खरीदने जाओ, वहां पे जो भी पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट है, उसका जो MRP है वो उसके लेबर और पैकेजिंग मटेरियल के हिसाब से ही तय होता है। हमारे बागवानों का भी जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी वैल्यू जीरो मत करो, उसकी बदौलत ही आप लोगों का सेब पहुंचेगा ऑल ओवर इंडिया। या हमारा पैकेजिंग मटेरियल हमें वापस कर दो, हम दोबारा से उसमें रीपैक करके आपको दोबारा से फ्रूट ले आएंगे, या क्रेट्स में लेना शुरू कर दो जैसे टमाटर है, दैट इज़ अ बेस्ट वे। उसमें ना किसी की कटौती होगी ना कुछ और होगा। हाँ, उसमें आप क्रेट्स प्रोवाइड कराओ हमें, और क्रेट्स का उसमें आप माइनस कर सकते हो जितना भी उसमें केजी एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आएगा क्रेट्स में। आप क्रेट्स का माइनस करो, टमाटर की तरह केजीज में खरीदो, वहां से आगे आपकी हेडिक है कि आप उसको ऑल ओवर इंडिया कैसे पहुंचाते हो। मेरा यही एक मैसेज था, यही मेरा जो एक मुद्दा था आज इस वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। अब बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो कि क्या ये जो 2 किलो की कटौती हो रही, क्या ये सही है, क्या इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज़, थैंक यू।